आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय की ओर से पूरे देश में 6 से 12 जून तक आइकॉनिक सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत चमोली जिला मुख्यालय स्थित प्रगति बैंक्वेट हॉल गोपेश्वर में सभी बैंक की ओर से विशेष क्रेडिट आउटर रिच कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिकारी वरुण चौधरी ने बैंक की ओर से लाभार्थियों के बीच कई ऋण योजनाओं से संबंधित चेक व ऋण स्वीकृति वितरित किए। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में बेहतर कार्य करने वाले बैंक शाखाओं के अधिकारी स्टाफ सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीसी सीएसपी को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। वहीं जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए बैंक के माध्यम से कई ऋण योजनाएं संचालित हैं। स्वरोजगार के इच्छुक लोग इन ऋण योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य सरकार प्रायोजित एवं अन्य ऋण योजनाओं के तहत पात्र लोगों को ऋण देकर जिले की आर्थिक गतिविधि को गति प्रदान करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजित करना है। वहीं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक पीएस राणा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 6 से 12 जून तक आइकॉनिक सप्ताह के तहत जन सुरक्षा योजना के तहत पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण भी कराया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं वो हमारे वेरियस बैंक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करी जा रही हैं। यहाँ पे आज हमने लाभार्थी जो हमारे सक्सेसफुल लाभार्थी हैं जिन्होंने अच्छा काम करा है उनको बुला के आज हमने सम्मानित किया है। इसमें SBI, PNB, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और अन्य बैंकों के लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पर्यटन की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं इसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आज हमने बुला के यहाँ पर सम्मानित किया है। और हम और लोगों से ये अपील भी करते हैं कि जो भी लोग इन स्कीम से लाभ लेने में इंटरेस्टेड हों वो इसमें अप्लाई करें और जो हमारी योजना है उसका वो लाभ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज पूरे देश में आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें चमोली जिले में अभी जिलाधिकारी महोदय ने आके जितने भी हमारे स्वरोजगार से संबंधित लाभार्थी थे उनको चेक वितरण किया, स्वीकृति पत्र वितरण किया और सभी लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया कि आगे और लोग भी जो है ना गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार प्राप्त करें।